राजधानी जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में 40-50 लड़कों ने घर में घुसकर हमला करने और औरतों के साथ गलत हरकत करने के साथ तीन चैन तोड़ने का मामला सामने आया है। सूचना के मुताबिक करीबन 40 से 50 बदमाशों ने घर में घुसकर घर के बुजुर्ग और युवकों पर डंडे, सरियों और पाइपों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वहीं घर की औरतों के साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए और सोने की तीन चैन चुरा ले गए। घर में घुसे दो युवकों के पास पिस्टल भी थी, तो वहीं पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज कराते हुए कुछ नामजन लड़कों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि जयपुर के सांगानेर थाना इलाके में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां घर में घुसकर परिवारजनों के साथ बदतमीजी की गई, परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, साथ ही सोने की तीन चैन तोड़कर वो फरार हो गए। कम से कम 40 से 50 की संख्या में बदमाश घर में घुसकर इन लोगों ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जानना चाहेंगे राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में ऐसी वारदात हुई है जहां 40 से 50 बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही वहां पर मारपीट की, क्या कुछ जानकारी है? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला सांगानेर थाने के यहाँ पर पास का है, जहाँ पर लगातार ऐसे मामले खुलासे होते रहते हैं, जिसमें आदतन अपराधी मुकेश धानोपिया अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर हमला करता है। कुछ गाली गलौज के बाद ये मामला थोड़ा बढ़ता है, तब समझाइश के बाद दोनों ही जो परिवार है वो बैठते हैं। उसके बाद ही सुबह 9:30 बजे के आसपास मुकेश धानोपिया अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है और घर में घुसकर मारपीट करना शुरू करता है। और इतना ही नहीं, जब महिलाएं बीच बचाव में आई तो महिलाओं की चैन तोड़कर वहां लूटपाट भी की गई और महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। इससे पूरे मामले को लेकर फिलहाल ये पूरी जांच सांगानेर एएसआई प्रभु सिंह को सौंपी गई है, जिस पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टा से ये सामने आया है कि जो आरोपी है मुकेश धानोपिया, वह काफी मामलों में पहले भी सांगानेर थाने में लिप्त है और उसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 40 से 50 जो लोग एक साथ आए थे उन्होंने घर पर धावा बोला था। पहले भी इन छोटी मोटी बातों को लेकर यहाँ परिवारों में झगड़ा होता रहता था, जिसको लेकर आज जो आरोपी है मुकेश धानोपिया को उसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में 7 से 8 आरोपी है उनको नामजद किया गया है और साथ ही उनकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। और ये भी कहा जा सकता है कि राजधानी के बीचों बीच इस तरह की घटना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ी करती है, क्योंकि इस तरीके की वारदात घर में घुसकर 40 से 50 दबंगों ने दबंगाई दिखाई है, तो वाकई ये एक शर्मनाक घटना है जिसे लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। चलिए कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया और आगे आप अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि राजधानी के सांगानेर थाना इलाके में करीबन 40 से 50 की संख्या में बदमाशों ने घर में घुसकर लोगों से परिवार से मारपीट की, साथ ही बीच बचाव में आई महिलाओं से अभद्रता का व्यवहार किया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है।